हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप भी अगर एक वाहन के मालिक हैं तो आपने भी जरूर सुना होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। अब दोस्तों, ये थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, ये आपको क्यों करवाने चाहिए, इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने वाले हैं। आज ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पार्टी क्या है और थर्ड पार्टी क्या है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप एक वाहन के मालिक हैं तो दोस्तों आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस करवा कर रखें। अब दोस्तों, इंश्योरेंस दो प्रकार से होते हैं, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब दोस्तों, जो बाइक आप नहीं खरीदते हैं या कार नहीं खरीदते हैं तो उसके साथ फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोनों साथ में दिए जाते हैं। जैसे एक साल का आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस दे दिया जाता है, जैसे तीन साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दे दिया जाता है, कई कई बार आपको पाँच साल का भी थर्ड पार्टी मिल जाता है। वो आपका पेमेंट के अनुसार है, आप कितना पेमेंट करके आप पहले इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से इंश्योरेंस दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी क्या है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या है। अब दोस्तों, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर आपका जो वाहन है, आपने जो वाहन खरीदा है उसका इंश्योरेंस होता है। यानी कि आपके वाहन को कोई किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, एक्सीडेंट होता है उसका, तो उस वाहन का जो क्लेम है वो बीमा कंपनी द्वारा आपको दिया जाएगा। आपकी वाहन की पूर्ण जिम्मेवारी बीमा कंपनी की रहेगी। अब दोस्तों, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स निकल कर आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कवरेज रहेगा। इसके अंदर जैसे दोस्तों, इंजन का कवरेज फर्स्ट पार्टी के अंदर आपको साथ में नहीं मिलता है, वो अलग से लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगा, उसके अंदर इसको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में आपको एक अलग से हम वीडियो बनाकर समझा देंगे। तो दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट पार्टी का जो इंश्योरेंस है वो ओनली आपके वाहन का होता है, और दोस्तों जो सेकेंड पार्टी होती है वो होती है इंश्योरेंस कंपनी, जो आपको बीमा प्रोवाइड कराती है वो कंपनी सेकंड पार्टी होती है। और उसके बाद बारी आती है दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोस्तों वो होता है कि आपकी गाड़ी से अगर सामने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको क्षति पहुंचती है या उस आदमी के नुकसान पहुंचता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो क्लेम है वो सारा बीमा कंपनी क्लेम करेगी, आपको क्लेम नहीं करना है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसके अंदर आपका कौन सा जो इंश्योरेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोस्तों अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं या नहीं करवाते हैं वो आप पर डिपेंड है। आप नहीं करवाएंगे तो भी घाटा आपको है और करवाते हैं तो फायदा आपको है। लेकिन दोस्तों, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर नहीं करवा रखा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर आपकी गाड़ी का सामने वाली गाड़ी किसी से एक्सीडेंट होता है और उस चालक की मृत्यु हो जाती है और आपकी गलती की वजह से उसकी मृत्यु के कारण आपके ऊपर धारा 166 के तहत दुर्घटना दावा जो है उसमें केस चलाया जाता है। उस केस के अंदर अगर जजमेंट में आपके ऊपर क्लेम 50 लाख 60 लाख 80 लाख जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो कितना कमा रहा था, वो क्या काम कर रहा था, वो कितनी आय कर रहा था, उसके हिसाब से आप पर लगाया जाता है। अगर आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा तो ये सारा क्लेम आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अगर आप क्लेम नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर थर्ड पार्टी आपने अभी तक नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लें, अन्यथा आपको आगे चलकर इसका नुकसान उठाना कभी भी पड़ सकता है, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं चलता कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, सामने वाला आपके अंदर आकर गिर जाए। तो दोस्तों, आपका इंश्योरेंस नहीं होगा तो आप उसके अंदर दोषी माने जाएंगे। जब पुलिस FIR दर्ज करेगी तो आपको पूछेगी कि आपका गाड़ी का लाइसेंस नंबर, आपके गाड़ी की RC जो भी है वो सारा चेक किया जाएगा, POC। आपका इंश्योरेंस अगर नहीं होता है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के आप अगर वाहन चला रहे हैं तो ये आप नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। कानून के अंदर बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाना अपराध है, तो इसलिए आप अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो जरूर से ही रखें। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अब दोस्तों, कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वाहन परचेज करने के बाद से उनको जो साथ में इंश्योरेंस मिलता है
वो चलता है तब तक चलता है, उसके बाद ना तो वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करते हैं ना वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, वो खाली वाहन चलाते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि आप जिस वाहन को बिना इंश्योरेंस चला रहे हैं उस वाहन से अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो ना तो आपको क्लेम मिलेगा ना सामने वाली पार्टी का जो क्लेम होगा वो भी आपको भरना पड़ेगा, तो आप डबल डबल दुविधाओं में पड़ जाएंगे। इसलिए थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस तुरंत करवा लें, आप किसी भी बीमा एजेंसी से अपने वाहन का बीमा करवा सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके जो अच्छा ऑफर दे उससे करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखें, जो अच्छे लेवल की कंपनियाँ हैं, जो आप रात दिन सुनते हैं जिनके नाम, उनसे ही करवाएँ। जो बिल्कुल ही न्यू है, जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना, तो उसके थ्रू नहीं कराएं, नहीं तो आपके क्लेम में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो आप बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप माइंड के अंदर एक चीज़ और क्लियर कर लें, कई लोगों को लगता है कि उसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो अब उसकी गाड़ी से अगर सामने वाले बंदे को कोई नुकसान पहुंचता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और वो बच जाएगा। दोस्तों, अगर आप वाहन चलाते हैं और आप गलती करते हैं और रॉन्ग साइड से आप अगर किसी का एक्सीडेंट करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस बीमा की वजह से आप बच नहीं पाएंगे। आपको वाहन सतर्क होकर चलाना है, किसी के अंदर एक्सीडेंट नहीं करना है। आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, बहुत ही धीमे गति से चलाना चाहिए। अगर आप किसी का एक्सीडेंट करते हैं तो बीमा अपना काम करेगी, लेकिन आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसको तो आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सतर्क होकर चलें, सावधान होकर चलें और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो अवश्य करवा लें, नहीं तो दोस्तों और भी ज़्यादा दुविधा आपके लिए बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और कोई भी इंश्योरेंस संबंधी आपको बातें समझ नहीं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जरूर से बताऊंगा। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या क्लेम होता है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है और क्या क्या चीज इसके अंदर आप ऐड करवा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, और आपको एक चीज और बता दूं कि थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है, जब आप उसको करवाते हैं तो जो गाड़ी का मालिक होता है यानी कि जो स्वामी होता है गाड़ी का, उसका 15 लाख का इंश्योरेंस उसके साथ हो जाता है। वो आपको जरूर से लेना होता है। आप अगर नहीं लेते हैं तो आप अपने जो इंश्योरेंस जो आपका करवाता है उसको जरूर बोलें कि जो 15 लाख का क्लेम का इंश्योरेंस है वो मेरा इसके अंदर जरूर ऐड करवा लें। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी का मालिक हैं, उसका 15 लाख का रिस्क कवर रहता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कई चीज़ें ऐसी है जो मालिक को नहीं पता होती है, लेकिन आप ऑनलाइन वीडियो देखकर आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं और इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं, और आप अपना भी फायदा उठाएंगे तो आपकी गाड़ी कोई लेके जाता है तो उसके लिए भी फायदा है। अगर आप बिना इंश्योरेंस के किसी को अपनी गाड़ी चलाने दे रहे हैं तो आपके लिए और जो गाड़ी लेके जा रहा है दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाएगा। आप ऐसे मामले में फंस जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा पछतावे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इससे पहले ही आप अपना इंश्योरेंस करवा लें, टाइम टू टाइम इंश्योरेंस करवाते रहें। अब आप कहेंगे कि हमने तो इंश्योरेंस जैसे पहले करवा लिया था उसके बाद हमने नहीं करवाया, तो अब क्या हमें वो जितने सालों का इंश्योरेंस है पीछे का वो सारा भरना पड़ेगा क्या? दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपको सारा भरने की जरूरत नहीं है। कुछ पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, वो पेनल्टी भरकर आप इंश्योरेंस शुरू करा लें और उसके बाद हर साल अपना इंश्योरेंस तारीख से पहले करवा लें, ताकि दोस्तों आपका परिवार सेफ रहे और आप भी सेफ रहें और सामने वाला भी सेफ रहे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अपना बीमा हमेशा रखें। अगले वीडियो में हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में फुल डिटेल पर बात करेंगे और आगे कुछ वीडियो में और भी हम बताएंगे कि इंश्योरेंस का क्लेम कैसे उठाना है, किस प्रकार से क्लेम किया जाता है, धारा 166 के तहत आप कर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर सारी डिटेल आपके सामने लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।